अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वीक 16 के लेक्चर में आज हम देखेंगे कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग रिपोर्ट क्या होती है और पेनिट्रेशन टेस्टिंग प्रोसेस जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, पेनिट्रेशन टेस्टिंग प्रोसेस के बाद आपने क्या डिलीवरेबल सबमिट करना होता है क्लाइंट को या कस्टमर को। तो सबसे पहले तो ये ध्यान में रखें कि एक फॉर एग्जाम्पल अगर आप डेवलपमेंट का कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जिस तरह से आप जब अपना फाइनल ये प्रोजेक्ट भी करेंगे या जब आप किसी सॉफ्टवेयर हाउस के साथ या एज ए फ्रीलांसर कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या कोई प्रोडक्ट डेवलपमेंट का काम कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर आपके पास जो डिलीवरेबल होता है वो होती है आपकी एंड प्रोडक्ट। अगर आप किसी के लिए वेबसाइट बना रहे हैं तो आपने उसको वेबसाइट बना के डिलीवर करनी होती है। अगर आप किसी के लिए कोई गेम या कोई मोबाइल एप्लीकेशन बना रहे हैं तो आपके आपके पास जो एंड डिलीवरेबल या जो फाइनल प्रोडक्ट होती है वो इटसेल्फ वो गेम या एप्लीकेशन या वो वेबसाइट होती है। सिक्योरिटी के प्रोजेक्ट्स में जो हमारे पास मेनली जो अभी अगर हम फोकस करें पेनिट्रेशन टेस्टिंग को या सिक्योरिटी असेसमेंट के प्रोजेक्ट्स को, तो इसके अंदर जो आपके पास मेन डिलीवरेबल होता है वो आपकी पेनिट्रेशन टेस्टिंग रिपोर्ट होती है। रिपोर्ट क्यों होती है और कोई मीन्स के कोई प्रॉपर प्रोडक्ट क्यों नहीं होती, क्योंकि देखें जो भी आपकी वेब एप्लीकेशन है या मोबाइल एप्लीकेशन है या कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, कोई डेटाबेस सिस्टम है, वो ऑलरेडी डेवलप्ड है। कस्टमर ने वो किसी फ्रीलांसर से या किसी सॉफ्टवेयर हाउस से या कोई इन हाउस डेवलपमेंट टीम से वो ऑलरेडी एक प्रोडक्ट डिवेलप करवाई हुई है, वो प्रोडक्ट डिवेलप्ड है और प्रोडक्शन पे नहीं तो एटलीस्ट स्टेजिंग एनवायरनमेंट या टेस्ट एनवायरनमेंट के ऊपर वो लाजमी डिप्लॉयड होगी। एक प्रोडक्ट ऑलरेडी बनी हुई है, आपने उसकी टेस्टिंग करनी है। जिस तरह से क्यूए काम कर रहा होता है, जब डेवलपर अपनी फंक्शनैलिटी डेवलप कर लेता है, वो अपनी फंक्शनैलिटी वाइज वर्किंग कंप्लीट कर लेता है, तो उसके बाद क्यूए जंप इन करती है और क्यूए का काम ये होता है कि उस एप्लीकेशन को या उस प्रोडक्ट को कस्टमर एक्सपीरियंस या यूजर एक्सपीरियंस के हिसाब से उसकी क्वालिटी को टेस्ट करना कि फॉर एग्जांपल यूआई ख़राब तो नहीं हो रही, रिस्पांस टाइम ठीक है या नहीं है, सेकेंडली आपका उसके अलावा जो भी यूज़र इनपुट दे रहा है उसके अकॉर्डिंगली कोई एरर्स तो नहीं थ्रो हो रहे, कोई एक्सेप्शन तो नहीं है, एप्लीकेशन क्रैश तो नहीं कर रही, क्यूए का ये काम होता है। तो क्यूए बेसिकली जो क्यूए का डिलीवरेबल है वो भी रिपोर्ट होती है। एक प्रोडक्ट या एक एप्लीकेशन जो ऑलरेडी डेवलपर ने बनाई हुई है उसके ऊपर क्यूए वाली टीम जो है वो अपनी टेस्टिंग करती है, अपना टेस्ट केसेस रन करती है और उसके बाद एट द एंड डेवलपर को रिपोर्ट देती है कि आपकी एप्लीकेशन के अंदर ये प्रॉब्लम्स हैं। आपकी एप्लीकेशन को अगर इस तरह से इनपुट दें तो वो क्रैश हो जाती है और यहाँ पे यूआई ख़राब हो जाती है, ये फंक्शनैलिटी वर्किंग नहीं है एंड सो ऑन। इसी तरह से एक प्रोडक्ट ऑलरेडी डेवलप्ड है, उसके ऊपर डेवलपर अपना काम कर चुका है, डेवलपर ने अपनी तरफ से फंक्शनैलिटी सारी कंप्लीट कर दी है, अब कस्टमर आपको कह रहा है कि आप इसकी सिक्योरिटी टेस्टिंग करें। सिक्योरिटी टेस्टिंग में क्या होता है कि आप अभी तक हम जो पोस्ट में सारी चीज़ें पढ़ते रहे हैं कि हैकिंग किस तरह से होती है, सिक्योरिटी के इश्यूज़ क्या क्या होते हैं, वल्नरेबिलिटीज़ क्या क्या होती हैं, सिक्योरिटी सर्विसेज क्या क्या होती हैं, उन चीज़ों को सारी चीज़ों को आप जहन में रखते हुए एक टेस्टिंग करते हैं एप्लीकेशन के ऊपर कि एप्लीकेशन सिक्योरिटी वाइज कितनी अच्छी है। आप उसके ऊपर डिफरेंट वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, आप उसके अंदर लूप होल्स या बग्स आइडेंटिफाई करते हैं जो सिक्योरिटी की तरफ लीड कर रहे होते हैं। पेनिट्रेशन टेस्टिंग में आप कोई इस तरह का इशू रिपोर्ट नहीं करते कि ये एप्लीकेशन यहाँ पे क्रैश हो गई है या ये इस एप्लीकेशन का यहाँ पे यूआई खराब हो गया है, ये एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी यहाँ पे नहीं चल रही, तो आप इस तरह की कोई चीज़ रिपोर्ट नहीं करते पेनिट्रेशन टेस्टिंग में। पेनिट्रेशन टेस्टर का मेन फोकस होता है सिक्योरिटी के इश्यूज, सिक्योरिटी के बग्स को आइडेंटिफाई करना, कोई ऐसे बग्स, कोई ऐसे लूप होल्स, कोई ऐसी वल्नरेबिलिटीज आइडेंटिफाई हों जिससे एप्लीकेशन को, क्लाइंट को या सर्वर को कोई नुकसान हो या कॉम्प्रोमाइज का कोई डर हो या वो हैक हो सकता हो, तो इस तरह की चीज़ें वो आइडेंटिफाई करके इस तरह की वल्नरेबिलिटीज आइडेंटिफाई करता है और उसके बाद उनको एक्सप्लॉइट करने के बाद एक एनालिसिस करता है। फॉर एग्जाम्पल ये वल्नरेबिलिटी थी, इस वल्नरेबिलिटी से अटैकर क्या कुछ कर सकता है या वो कितना डीप डाइव करके कौन सा डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकता है या सर्वर को नुकसान पहुंचा सकता है या नेटवर्क के अंदर इंक्लूड कर सकता है, व्हाट्स एवर जो भी वल्नरेबिलिटीज उसको आइडेंटिफाई होती हैं उसके अकॉर्डिंगली। अच्छा,
अब पेनिट्रेशन टेस्टर ने 7-8 दिन, हफ्ता 10 दिन, जितना भी टाइम क्लाइंट से कमिट किया था उसमें उसने अपनी टेस्टिंग परफॉर्म की, और टेस्टिंग परफॉर्म करने के बाद वो क्लाइंट को क्या कहेगा, मतलब हाँ जी ठीक है मैंने टेस्टिंग कर ली और बस आपकी एप्लीकेशन के अंदर ये इश्यूज थे एंड सो ऑन, इस तरह नहीं। उसने एक प्रॉपर फॉर्मल रिपोर्ट देनी होती है कस्टमर को कि मैंने इस एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए क्या मेथडोलॉजी अडॉप्ट की, मेरा क्या प्रोसेस था, मेरी थॉट क्या थी इसको टेस्ट करते हुए, अगर मेरे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल थी, कस्टमर की तरफ से मुझे कौन सी इन्फॉर्मेशन मिली, और उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए मैंने कैसे अपने स्किल्स को साथ जेल इन करके इसकी पेनिट्रेशन टेस्टिंग की है। प्लस इस प्रोसेस के साथ साथ उसने वो वल्नरेबिलिटीज भी रिपोर्ट करनी होती हैं जो सारी आइडेंटिफाई हुई। फॉर एग्जाम्पल सीक्वल इंजेक्शन मिला है तो पेनिट्रेशन टेस्टर विल रिपोर्ट कि मुझे सीक्वल इंजेक्शन मिला है इस एप्लीकेशन के अंदर, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है, LFI है, बफर ओवरफ्लो है, व्हाट्स एवर जो भी वल्नरेबिलिटीज उसको आइडेंटिफाई होती हैं वो उनको डिटेल में एक्सप्लेन करता है रिपोर्ट में। अब रिपोर्ट में एक्सप्लेन करते वक्त जिन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए या रिपोर्टिंग कैसे करनी चाहिए, हम वो बेसिकली इस लेक्चर में कवर कर रहे हैं। ये तो आपको ऑलरेडी समझ आ गई कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग रिपोर्ट क्यों इम्पोर्टेंट है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। आपने जो भी काम किया, चाहे आपको आपको एक महीने का प्रोजेक्ट मिला था, आपने महीने का प्रोजेक्ट किया, आपकी अनडिलीवरेबल क्या है, कस्टमर को कैसे पता चलेगा कि आपने काम किया है नहीं किया, आपने काम कितना डीपली किया है, आपने कितनी आपकी कितनी अंडरस्टैंडिंग थी एप्लीकेशन के बारे में, और आपने फिर किस तरीके से इसको टेस्ट किया है ताकि कस्टमर को एक मेंटल सेटिस्फेक्शन हो कि नहीं यार मेरी एप्लीकेशन इस स्ट्रेस टेस्ट से या इतनी हार्ड किस्म के, इतने क्रिटिकल किस्म के सिक्योरिटी टेस्ट से गुजरी है, तो इसका मतलब है ये सिक्योर है या ये सिक्योर नहीं है। तो जो आपकी रिपोर्ट है वो सारी चीज़ कस्टमर को बताएगी। अगर रिपोर्ट आपकी ठीक से नहीं लिखी हुई तो कस्टमर को डाउट हो सकता है, कस्टमर को पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकती। तो जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग का प्रोसेस कस्टमर ने रन करवाया उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा उस प्रोसेस को रन करवाने का, वो उसके लिए मतलब वो एक्टिविटी बेकार है। अगर आपने रिपोर्ट ठीक नहीं दी, आपने एक बड़ी अच्छी पेनिट्रेशन टेस्टिंग एक्टिविटी कंडक्ट की, आपने इश्यूज आइडेंटिफाई किए, लेकिन अगर आपने रिपोर्ट उनको ठीक तरीके से नहीं किया तो कस्टमर की वो एक्टिविटी ज़ाया हो जाती है। क्योंकि कस्टमर आपकी रिपोर्ट के ऊपर 100% रिलाई करता है, वो आपसे रिपोर्ट समझेगा भी, अगर आप उसको समझा नहीं सकते, रिपोर्ट आपकी इतनी डिटेल्ड नहीं है तो उस रिपोर्ट का कोई फ़ायदा नहीं, उस एक्टिविटी का कोई फायदा नहीं इन शॉर्ट, क्योंकि एंड डिलीवरेबल आपके पास यही है जो आपने कस्टमर को देना है। तो रिपोर्ट कैसे लिखनी चाहिए, इंपॉर्टेंस आपको इसकी ऑलरेडी पता चल गई है कि इंपॉर्टेंस क्या है पेनिट्रेशन टेस्टिंग रिपोर्ट की। अब हम इस लेक्चर में बेसिकली ये देख रहे होंगे कि रिपोर्ट कैसे लिखनी चाहिए, रिपोर्ट के अंदर क्या क्या मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, रिपोर्ट आपकी जो रिपोर्ट है उसके अंदर क्या क्या डिटेल्स कितनी ज़्यादा होनी चाहिए और क्या क्या कम होनी चाहिए, उन सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसको।